आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग से शेयर करने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड, जिसमें आप किसी भी तरह की गेमिंग वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस एंड टिकटॉक वीडियोस को बहुत ही कमाल से एडिट कर सकते हैं। बिकॉज इन एडिटर्स में आप लोग को बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप लोग को बाकी किसी भी एडिटर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा एक दूसरा गेमिंग चैनल है जहाँ पर आप लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज एंड गिव अवेज देखने के लिए मिलेंगी। सो आप लोगों ने इस चैनल पर जरूर विजिट करना है अगर आप गेमिंग लवर हो, और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत इंजॉय करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वंडर वीडियो के बारे में। एंड वंडर वीडियो एडिटिंग ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप एवर। बिकॉज एप्लीकेशन में आप लोग को बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि आप लोग को बाकी एडिटर्स में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलते। एंड इसे एडिटर के सबसे पहले फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो वो है क्रिएटिव वीडियो। एंड क्रिएटिव वीडियो में बीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें आप लोग को बहुत सारे बीट्स मिल जाते हैं, सॉन्ग्स के बीट्स मिल जाते हैं, जिसपे आप अपनी सिंपल इमेजेस को सेट करके काफ़ी अच्छी क्रिएटिव वीडियो बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग को सिंपली करना क्या है, किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को रिक्वायर्ड इमेजेस अपनी गैलरी से सिलेक्ट करके आप लोगों ने जस्ट वन क्लिक पे एंड देन बूम, आपकी वीडियो, आपकी इमेजेस जो है सिंपल इमेजेस एक वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड आप यकीन जानिए, अगर इस तरह की आप वीडियो अगर नॉर्मली आप लोग बनाते हैं सो आप लोग को बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है एंड बहुत सारा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। बिकॉज आप लोग को बहुत सारे ट्रांजिशन सेट करने पड़ते हैं दो इमेजेस के दरमियान में, एंड देन जाकर आपकी वीडियो बनती है। बट यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जस्ट वन क्लिक पे आप लोग की वीडियो बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बन जाती है। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है। एंड यहाँ पे इस फंक्शन के अलावा अगर आप लोग बात करते हैं फ़नी फेस के बारे में, सो फनी फेस बहुत ही यूनिक फंक्शन है। बिकॉज वहाँ पे आप लोग किसी भी व्यक्ति का फेस सेलेक्ट करके एक बहुत ही फ़नी सी वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद वैनिश मैजिक की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये मैं कहता हूँ कि जस्ट वाओ। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कोई भी इमेज अपनी गैलरी से सेलेक्ट करना पड़ता है एंड देन बूम, आपकी वीडियो बहुत ही एक यूनिक सी वीडियो बन जाती है। एंड ये फंक्शन बहुत ही रेयर है एंड मैं समझता हूँ कि किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में नहीं गिवन, यानी एंड्रॉयड के लिए जितने भी वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं उसमें किसी भी एडिटिंग ऐप में आप लोग को ये फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। सो ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है। इसके बाद अगर बात करते हैं मैजिक इफेक्ट के बारे में, सो मैजिक इफेक्ट में आप लोग को बहुत सारे ऐसे मैजिकल इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी वीडियोज़ को बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। एंड ये इफेक्ट बहुत ही, आप लोग को लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बट यकीन जानिए कि बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोग को ट्राई पे क्लिक करना पड़ता है एंड देन वहाँ पे आप लोग को पूरा जो है ना, आपको आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है एंड सेम पूरा इफेक्ट आपकी वीडियो में डल जाता है। ये बहुत ईजी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा ये इतना ईजी है एंड बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बन जाती है। एंड सम टाइम आप लोगों ने टिकटॉक पर वीडियोज़ देखी होंगी इस तरह की, काफ़ी सारी क्रिएटिव वीडियोज़, एंड आप लोग को लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, बट यकीन जानिए इतना ईजी है कि एक बच्चा भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा। ये इफेक्ट बहुत ही रेयर है एंड मैं समझता हूँ कि ये इफेक्ट भी किसी भी एंड्रॉयड एडिटिंग ऐप में गिवन नहीं है। इसके बाद अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने सिंपली वीडियो को एडिट भी इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन आप लोग को गिवन होते हैं जो कि आप लोग एक प्रोफेशनल वीडियो को एडिट करने में आप लोग को काम आते हैं। सो आप लोग इसको इसके एडिटर को यूज़ करके एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। यहाँ से आप लोग को मिल जाता है क्लिप एडिट, मिल जाता है इफेक्ट, मिल जाते हैं एंड म्यूज़िक मिल जाते हैं, स्टाइल्स मिल जाती हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं एंड स्टाइल्स में आप लोग बहुत सारे स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को भी बना सकते हैं। इसके बाद म्यूज़िक की बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी आप लोग को मिल जाती है जहाँ से आप लोग बहुत सारे फ्री म्यूज़िक अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं और उसे पब्लिश भी कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो को टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हैं, फेसबुक की वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आप लोग को वीडियो साइजेस भी गिवन होती हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लिच इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो ग्लिच इफेक्ट्स बहुत ही रेयर होता है एंड काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। सो आपकी वीडियो को बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बनाती हैं एंड यहाँ पे एक वाइड रेंज है ग्लिच इफेक्ट्स की, जिनको फ्री आप लोग को काफ़ी सारी फ्री इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को बहुत ही क्रिएटिवली एडिट
कर सकते हैं। इसके बाद अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को मतलब उसमें फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस एंड ये सैचुरेशन, इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स को यूज़ करके आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस को भी मेनटेन कर सकते हैं, काफ़ी मज़े की बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स जिसे कहते हैं, एंड जिससे आप अपनी वीडियो में ब्राइटनेस वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड करके उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी काफ़ी अमेजिंग बना सकते हैं। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड का एक डिफरेंट ऑप्शन भी आपके पास गिवन होता है। एंड इसके बाद अगर डिफरेंट फंक्शन और फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैजिकल फंक्शंस भी गिवन है। मैजिकल फंक्शंस में आप लोग अपनी वीडियो में ऐसे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं जिसके आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की बनती है। एंड नॉर्मल बंदा सोचता रहता है कि ये वीडियो कैसी बनी है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इफेक्ट पे आपका ये पूरा का पूरा काम हो जाता है। एंड इसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं यहाँ पे इन फंक्शंस के बारे में, सो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। एंड मैं कहता हूँ कि ये बहुत वाइड रेंज है इसमें इफ़ेक्ट्स की। एंड इन फीचर्स को यूज़ करके आप अपनी वीडियो में इतने सारे मतलब अमेजिंग क्रिएटिव वीडियो बना सकते हैं कि जस्ट आपकी वीडियो बनेगी जस्ट वाओ। एंड आप लोग सोच सकते हो कि मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई है एंड इसके बहुत सारे फंक्शंस को तो मैं डिस्कवर ही नहीं कर पाया इस वीडियो में, बिकॉज इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। बट मैं सिंपली ये कहूँगा कि वंडर वीडियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप एवर, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आप लोग को मिल जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं विंकल के बारे में। एंड विंकल वीडियो एडिटिंग ऐप जस्ट आप लोग को सिंपली बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिस पे आप अपनी गैलरी से इमेजेस को सेलेक्ट करके उसे वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें एक बहुत बड़ी रेंज आप लोग को मिल जाती है। सिंपली ये फंक्शंस आप लोग को नॉर्मल एडिटिंग ऐप्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता। एंड ये सिंपल विंकल जो एडिटिंग ऐप है ये बेस्ट एडिटिंग ऐप है, बिकॉज इसमें आप लोग को सिंपल टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ता है एंड रिक्वायर्ड इमेजेस को अपनी गैलरी से आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। जस्ट गैलरी से सेलेक्ट की एंड देन जस्ट वन क्लिक पे बूम, एंड देन एक ऐसी क्रिएटिव वीडियो आप लोग को बन जाएगी कि आप लोग सोचते रहेंगे कि यार ये इतनी अमेजिंग कैसी बनी। एंड इस वीडियो में मैं आप लोग को एज अ टेम्पलेट एक एज अ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो सिंपली हम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट किया एंड टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग हमने यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट किया। एंड यहाँ पे एक इमेजेस को आप बार बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जस्ट बूम, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्रिएटिव वीडियो मेरी यहाँ पे बन चुकी है। एंड सिंपली आप कुछ इमेजेस को यूज़ करके आप लोग बहुत सारी अमेजिंग टिकटॉक वीडियोज़ यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ यहाँ से बना सकते हैं। सो विंकल बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो कि इमेजेस से अपनी वीडियोस क्रिएटिव वीडियोस बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पे बहुत वाइड रेंज आप लोग को इफेक्ट्स ही मिल जाती हैं, जिन इफेक्ट्स को यूज़ करके आप डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो मेरी बन चुकी है। इसके बाद नंबर 3 पे अगर बात करते हैं पावर डायरेक्टर के बारे में, सो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन सिंपल काइन मास्टर की तरह वर्क करता है, बट इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि काइन मास्टर में गिवन नहीं है। काइन मास्टर इस लिस्ट में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, सो मैं समझता हूँ कि उसको ऐड नहीं करना चाहिए, वो ऑलरेडी बेस्ट एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिए। एंड यहाँ पे इन जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन है इसमें भी बहुत सारे फंक्शन आप लोग को मिल जाते हैं जिसमें आप नॉर्मली अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने में आप लोग को काम आती हैं। आप लोग बहुत सारी वाइड रेंज की आप लोग को म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल जाती है, आप लोग को इफेक्ट्स मिल जाते हैं, स्किन सैचुरेशंस मिल जाती है आप लोग को यहाँ पे, एंड आप लोग को स्किन टोन इवन आप लोग इसमें आप अपनी वीडियो की सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, रोटेट, फ्लिप एंड रिवर्स कर सकते हैं अपनी वीडियो को। सो ये एडिटिंग ऐप भी बहुत ही कमाल की है। इसके बाद 4th नंबर पे बात करते हैं इनशूट के बारे में। एंड इनशूट एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, इसके फीचर्स भी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है। एंड सिंपली आप लोग यहाँ पे अगर वीडियो की बात करते हैं तो मैं आप लोग को वीडियो में दिखा देता हूँ कि इसमें बहुत सारे यूनिक फंक्शंस गिवन है जो कि बाकी 3 एप्लीकेशन में नहीं है। सो इसमें भी आप लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप लोग बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं वीडियो में, एंड बहुत सारे इफेक्ट्स अपनी वीडियो में मतलब ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की बन जाती है। सो हर वीडियो एडिटिंग ऐप में कुछ ऐसे फंक्शंस मैंने आप लोग के लिए डिस्कवर किए हैं जो कि बाकी वीडियो एडिटिंग ऐप्स में नहीं मिलते एंड आप लोग के लिए डिफरेंट है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनशूट में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बाकी एप्लीकेशन से डिफरेंट है एंड बाकी एप्लीकेशन में ये फंक्शंस देखने के लिए नहीं मिले। एंड पिछले 3 एप्लीकेशन में ये फंक्शंस थोड़े कम थे, बट इनशूट में ये एप्लीकेशन जो फीचर्स आपके पास
ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही वाइड रेंज की है, जिससे आप अपनी वीडियो को बहुत ही कमाल से एडिट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो इससे बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को इफ़ेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाती है, एडजस्टमेंट आप लोग को मिल जाती है, जिससे आप अपनी वीडियो को कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, ब्राइटनेस दे सकते हैं, शार्प कर सकते हैं अपनी वीडियो को। सो मतलब उसके कलर को आप लोग मिड रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो एडिटिंग ऐप में अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के इमेज को भी एज अ बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आप लोग वीडियो के फ्रेम को फ्रीज कर सकते हैं, जो कि बाकी एप्लीकेशंस में नहीं मिलता आप लोग को। इसके बाद नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे वीडियो शो लाइट के बारे में। ये एप्लीकेशन भी बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, एंड इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बाकी एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिलते, एंड डेफिनेटली ये एप्लीकेशन भी काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो सिंपली हम लोग कोई भी एडिट सेलेक्ट वीडियो सेलेक्ट कर देते हैं एज अ वीडियो एंड एडिटिंग के लिए। सो काफ़ी वीडियोज़ को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताता हूँ कि काफ़ी वीडियोज़ को आप लोग मर्ज करके एक वीडियो भी बना सकते हैं, मतलब डिफरेंटली आप लोगों ने शूट किया सो उनको आप लोग मर्ज करके एक वीडियो भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को फीचर के बारे में अगर बात करते हैं फीचर्ड के बारे में, सो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि किस तरह की वीडियो आप लोग बनाना चाहते हैं, सो वो भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। एंड म्यूजिक साउंड के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग डिफरेंट मतलब अपने वीडियो में वॉइस को ऐड कर सकते हैं, एंड इवन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का वीडियो चलता रहे और उस पर आप लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें तो आप लोग सिंपली यहाँ पर वॉइस ओवर को सिलेक्ट करना है, एंड देन आप अपने माइक्रोफोन से उसी टाइम अपने वॉइस को उस वीडियो पे सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद एडजस्टमेंट की, डेफिनेटली एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आप लोग को मिल जाते हैं, जिस पे आप अपनी वीडियो के मतलब उसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजिशन का इफेक्ट जो फंक्शन है मिल जाता है। एंड ट्रांजिशन का फंक्शन बाकी जितने भी एप्लीकेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किए उनमें बहुत कम थे, बट ट्रांजिशन का इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैजिकल इफेक्ट इसमें भी आपके पास गिवन है, इसके मैजिकल इफेक्ट्स बाकी एप्लीकेशन से डिफरेंट है, एंड डेफिनेटली बहुत ही चेंज है, एंड ये फंक्शंस भी बहुत ही कमाल के हैं। सो आप लोग अपनी वीडियो को अगर क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, सो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वीडियो मतलब जितनी वीडियो आप लोग की क्रिएटिव लगेगी उतनी आप लोग की वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो इस एप्लीकेशन में अगर आपके पास पीसी नहीं है सो इन एप्लीकेशन को 5 एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपनी वीडियो को बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। सो एप्लीकेशन बहुत ही कमाल के थे, एंड मेरे लिहाज से ये टॉप 5 वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स से फ्री एप्लीकेशंस। अगर इस वीडियो पे आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके प्रीमियम जो फंक्शन प्रीमियम एप्लीकेशंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट आप लोग को इसके प्ले स्टोर से सारे एप्लीकेशंस आप लोग को प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएंगी, जस्ट आप लोगों ने सर्च करना है एंड देन आप लोग को ये एप्लीकेशंस वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, बट डिस्क्रिप्शन में भी इन सारे एप्लीकेशंस के लिंक आपको प्रोवाइडेड होंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना, शेयर करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे गेमिंग चैनल पर ज़रूर विजिट करना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।